नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। भारत में 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटिक, 4 वर्षों में 44% बड़ा आंकड़ा। यूके मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित ICMR की एक स्टडी के मुताबिक 2019 में 70 मिलियन लोगों की तुलना में भारत में अब 101 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज यानी कि शुगर के साथ जी रहे हैं। स्टडी में कहा गया कि कुछ विकसित राज्यों में ये संख्या स्थिर हो रही है, वहीं कुछ राज्यों में ये खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं, जिसके लिए तत्काल राज्यों के विशेष हस्तक्षेप की जरूरत है। स्टडी के मुताबिक कम से कम 136 मिलियन लोग या 15.3% आबादी प्री डायबिटिक है। स्टडी की पहली लेखिका और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर रंजीत मोहन अंजना ने कहा कि गोवा, केरल, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में डायबिटीज के मामलों की तुलना में प्री डायबिटीज के मामले कम हैं। पुडुचेरी और दिल्ली में वह लगभग बराबर हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि बीमारी स्थिर हो रही है, लेकिन डायबिटीज़ के कम मामलों वाले राज्यों में वैज्ञानिकों ने प्री डायबिटीज़ वाले लोगों की संख्या ज़्यादा दर्ज की है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में डायबिटीज़ का प्रसार 4.8% है, जो देश में सबसे कम है, लेकिन राष्ट्रीय औसत 15.3% की तुलना में 18% प्री डायबिटिक हैं। पश्चिमी दिल्ली के अस्पताल में लगी आग, 20 नवजात शिशुओं को बचाया गया। पश्चिमी दिल्ली वैशाली कॉलोनी स्थित न्यूबॉर्न चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लग गई। इस घटना के तुरंत बाद अस्पताल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और सभी 20 नवजात शिशुओं को दिल्ली फायर सर्विस ने सुरक्षित बचा लिया और उन्हें पास के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। दमकल विभाग को देर रात 1:30 बजे अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 9 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल के भूमिगत तल में रखे फर्नीचर में आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि आग पर देर रात 2:15 बजे काबू पाया गया। उन्होंने आगे कहा कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 50 नए मेडिकल कॉलेजों को मिली मंजूरी, 1 लाख के पार होगी अब MBBS की सीटें। आने वाले समय में देश में मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीटों में बढ़ोतरी होने वाली है। केंद्र सरकार ने इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है, जिनमें 30 सरकारी और 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शामिल होंगे। साथ ही मौजूदा कॉलेजों में करीब 2000 सीटों को जोड़ने का फैसला किया गया है, जिससे अब देश में MBBS सीटों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज अलग अलग राज्यों में बनेंगे। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि ये कॉलेज देश में 6200 MBBS सीटें जोड़ेंगे, जबकि कुछ कॉलेजों को सीटें बढ़ाने की मंजूरी भी मिली है। कुल मिलाकर देश में MBBS की सीटों में वास्तविक वृद्धि 8195 होगी। एक अधिकारी ने कहा है कि इसके साथ भारत में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 702 हो गई है और MBBS सीटों की संख्या 1,07,658 हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज पर वेबिनार आयोजित किया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसमें देश भर के 7000 से ज्यादा मेडिकल ऑफिसर्स ने भाग लिया। इस वेबिनार का उद्देश्य प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तैनात मेडिकल ऑफिसर्स को सशक्त बनाना था। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए क्षमता निर्माण आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें वैल्यूएबल नॉलेज और एक्सपर्टीज तक पहुंचने का अनूठा अवसर प्रदान करते हुए उनके पेशेवर विकास में योगदान देता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है। नींद ना आने की बीमारी बढ़ा सकती है स्ट्रोक का खतरा। एक अध्ययन में बात सामने आई कि जिन लोगों में नींद ना आने की बीमारी होती है या जिन्हें सोने में कठिनाई होना या बहुत बार नींद टूटना जैसी समस्याएं होती हैं, उन लोगों में स्ट्रोक होने की संभावना आम लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। रिसर्च अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के मेडिकल जर्नल न्यूरोलॉजी के ऑनलाइन अंक में प्रकाशित हुई है। इसके अलावा इस रिसर्च में पाया गया कि 50 साल से कम उम्र के लोगों में इसका जोखिम ज़्यादा है। हालांकि ये शोध ये साबित नहीं करता कि अनिद्रा के लक्षण स्ट्रोक का कारण बनता है, बस इस रिसर्च में इन दोनों बातों में कनेक्शन पाया गया है। इस रिसर्च में ये भी कहा गया कि कई उपचार हैं जो लोगों की नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, इसलिए निर्धारित करना कि नींद की कौन सी परेशानी स्ट्रोक के बढ़ने का खतरा बढ़ाती है, ये इस बात पर निर्भर करता है। इस रिसर्च में 61 वर्ष की औसत आयु वाले 31,126 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। परीक्षण की शुरुआत में किसी भी प्रतिभागी को स्ट्रोक के खतरे का इतिहास नहीं था। तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में 1 महीने में हुई सबसे ज्यादा डिलीवरी। तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा 69% चाइल्ड डिलीवरी का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वहीं निजी अस्पतालों में इसका प्रतिशत
31% रहा। 33 जिलों में से कुछ जिलों के सरकारी अस्पतालों में 80% से अधिक डिलीवरी दर्ज की गई, जबकि अधिकांश में 70% डिलीवरी हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा डिलीवरी के साथ सरकारी अस्पतालों ने देश में इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 4 जिलों संगारेड्डी, नारायणपेट, मेडक और जोगुलम्बा गढ़वाल ने सरकारी अस्पतालों में 80% से अधिक डिलीवरी की है, जबकि 16 जिलों में 70% डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में दर्ज की गई है। सरकारी अस्पतालों की तुलना में अधिक डिलीवरी कराने वाले निजी अस्पतालों का चलन कम हो गया है और लोग अब निजी अस्पतालों की तुलना में डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। जयपुर में महीनों से क्वालिटी चेक के लिए अटकी पड़ी हैं दवाइयाँ। राज्य की फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत दवाइयों का एक बड़ा स्टॉक क्वालिटी चेक के चलते महीनों से अटका हुआ है। क्वालिटी चेक न होने के कारण अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई रुकी हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के अधिकारी के मुताबिक दवाइयों को अस्पतालों में सप्लाई करने से पहले उनका क्वालिटी चेक होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और दवाइयों की संख्या बढ़ने से कई दवाइयों की क्वालिटी रिपोर्ट आना भी बाकी है, जिससे इसे आगे अस्पतालों में नहीं भेजा जा सकता। पिछले कुछ महीनों में फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत आने वाली दवाएँ 1500 से बढ़कर 1800 हो गई है, ताकि मरीजों को सभी दवाएँ मुफ्त में मिलें और उन्हें किसी भी दवाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। साथ ही राज्य सरकार मरीजों को फ्री ओपीडी और आईपीडी सेवाएं भी दे रही है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।